नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डीडी फ्रीडिश के ग्राहकों के लिए ही रहेगी। और आपको मालूम होगा कि डीडी फ्रीडिश की 52 जो ई ऑक्शन अभी हाल ही में एमपी ईजी 2 स्लॉट्स को लेकर हुई थी, उसमें आपका एक नया धारावाहिक का चैनल हिंदी में लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द क्यू। द क्यू चैनल आपको किस तरीके से लग रहा है, उसमें जो प्रोग्राम्स आपके लिए चलाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, अगर आ रहे हैं तो कौन से आ रहे हैं, नीचे आप जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज जो है द क्यू चैनल की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें बेहद खुशी है, हम बहुत ही खुश हैं कि हमने डीडी फ्रीडिश का हिस्सा बने, हमें डीडी फ्रीडिश की ऑडियंस से हमें पूरी उम्मीद है कि हमें प्यार मिलेगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि हमारा ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि हम स्टार उत्सव को टक्कर देने वाले हैं, हम चाहते जरूर हैं कि स्टार उत्सव वाला जो मुकाम है वो हमें मिले, लेकिन हम बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि स्टार उत्सव पे जो प्रोग्राम्स आपको दिखाए जा रहे हैं उसी तरीके से हम भी दिखाएं। हमारा जो टारगेट है वो यूथ ऑडियंस है, जो भी नौजवान हमारे युवा हैं देश में उन सभी को हम टारगेट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर अच्छे खासे प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं। हाँ, हम यहाँ पर बिंदास चैनल हो गया जो कभी आपको अच्छा खासा यूथ प्रोग्राम दिखाया करता था, या जिंग चैनल हो गया, उस तरीके से जो प्रोग्राम्स है वो चलाने की जल्द कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए बच्चों के लिए भी एनिमेटेड प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जो कि कह लीजिए तो अच्छी खासी कहानियां ही हैं जिसको उन्होंने एनिमेटेड में उतार दिया है। हम आम इंसानों की जगह पर उन्होंने एनिमेशन में उसको उतार दिया है, वो भी काफी अच्छा एक कह लीजिए पहल है। तो उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है इसी तरीके से आपको आगे भी बढ़ चढ़कर अच्छे खासे प्रोग्राम्स देते रहेंगे। फिलहाल उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि डीडी फ्रीडिश जो है उससे हमें अच्छी खासी ऑडियंस मिलेगी। 40 मिलियन जो है वो डीडी फ्रीडिश के जो है उपभोक्ता है। डिश टीवी में भी उन्होंने जो है डीडी फ्रीडिश से अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है, तो 12.5-13 मिलियन तो उससे भी जो है उनको मिल गया होगा अपना ऑडियंस टारगेट। तो कहीं ना कहीं उनको पूरी उम्मीद है कि कुछ ही महीनों में जो है हम कहीं ना कहीं टीआरपी में अच्छे खासे नजर आने लगेंगे। तो उसको लेकर हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप भी इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और जी हाँ, और अगर आप आईपीएल को फ्री में देखना चाहते हैं तो हम जो है अपने जर्नलिज्म गाइड के इंस्टाग्राम अकाउंट में फ्री दिखा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमें फॉलो कर लीजिए और उसके बाद जो है आप भी फ्री में आईपीएल देख सकते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि द क्यू चैनल की टीम ने यह भी कहा है कि अगर उन्हें यहाँ पर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो वह अपने चैनल के पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जल्द ही जो है हम हिंदी के अलावा 3 और भाषाओं में चैनल को लॉन्च करेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और वो भी जो है डीडी फ्रीडिश का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। जी हम आपको बता दूं, पहली 3 चैनल जो है द क्यू चैनल कंपनी की ओर से लॉन्च किए जाएंगे वो डीडी फ्रीडिश का हिस्सा भी जरूर बन सकते हैं। वो कौन सी भाषा में बनेंगे, कौन से चैनल जो है भाषा के लॉन्च होंगे उसके बारे में भी हम डिटेल में आपको बताएंगे, बस हम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो द क्यू चैनल जो है वो काफी खुश है डीडी फ्रीडिश में आने से, उन्हें पूरी यकीन है कि हमें कहने के डीडी फ्रीडिश के जो जितने भी उपभोक्ता हैं वो प्यार अपना जरूर देंगे, और यदि हमें प्यार अच्छा मिलता है तो हम जो अपने 3 और चैनल्स को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे और वो डीडी फ्रीडिश का हिस्सा भी जरूर बनेंगे। बाकी इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।